अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कासिम रजा और आज की वीडियो में हम आपको तख्ती नंबर 11 को रमा पढ़ना सिखाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले जब मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसको हिज्जे करके पढ़ा था और तख्ती नंबर 11 का पार्ट 2 भी बनाया था। तो आज मैं इसका सिर्फ उससे पार्ट 2 नहीं बनाऊँगा क्योंकि ये तो हमने रमा पढ़नी है। रमा पढ़ना तो बहुत आसान होता है और जिन दोस्तों को रमा पढ़ना नहीं आता वो आज मुझसे सीख लें और दूसरों को भी सिखाएं ताकि उन्हें इलम हासिल हो, आपको ज़्यादा स्वाब मिले और हमें भी मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं तख्ती नंबर 11 की तरफ। अजय चलें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक नंबर 11 सुकून यानी जज़्म। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं इस अलामत को जज़्म कहते हैं। जिस हरूफ पर जज़्म हो उसे साकिन कहते हैं। जज़्म वाले हरूफ अपने से पहले मुतरिक हरूफ से मिलकर पढ़ा जाता है। हमजा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ें और हमजा साकिना को हमेशा झटका देकर पढ़ें। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमजा साकिन हो रहा है, देखें क्योंकि जज़्म इसके ऊपर। तो इस हमजा को हम झटका देकर पढ़ेंगे आ, इस तरह हमजा हमजा ज़बर आ इस तरह पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह नहीं पढ़ेंगे हमजा हमजा ज़बर आ, ये तो नदी हो गई। और हमजा 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 ज़बर आ हम झटके देकर पढ़ेंगे तो फिर ये सही होगा क्योंकि हमजा साकिन को हमेशा झटका देकर पढ़ते हैं। तो हरूफ कलकला 5 हैं। कौफ तोआ बा जीम दाल इनका मजबूआ कुतुबुजद्दीन है। कलकला के मायने जंबिश और हरकत के हैं। इन हरूफ के अदा करते वक्त मखरज में जंबिश सी हो जिसकी वजह से आवाज़ लुढ़ती हुई निकले। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि इन 5 हरूफ कौफ तो बा जीम दाल जब हम पढ़ते हैं तो इसमें गले में थोड़ी ख़ारिश होती है। जैसे हम कौफ को हम पढ़ेंगे कौफ कौफ नहीं बल्कि कौफ। आप इसे पढ़े आपके और गर्दन में हाथ लगा के देखें, आपको थोड़ा हल्का हल्का ख़ारिश महसूस होगी कौफ। ठीक है दोस्तों, जब हरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। इस सबक में हरूफ कलकला हमजा साकिना की अदायगी का ख़ास ख्याल रखें और मिलते जुलते आवाज़ वाले हरूफ में वाज़े फ़र्क करें। तो चलते हैं तख्ती नंबर 11 की तरफ। तो हर काम करने से पहले मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है ताउज़ और तस्मिया पढ़ना चाहिए। ठीक है, ताउज़ और तस्मिया। औऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था इसको हमने हिज्जे में नहीं पढ़ना बल्कि रवां पे पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे साथ पढ़ें अत इत उत औत इत उत अज इस उज औज उज उज अज इस उज अफ इस उस एस इस उस ओस उस उस अद इद उद उद इद उद अक एक उक ओक एक ओक अह ए ओह अह एह अह अ अ ए ओ अ ए ओ अख एख ओख अग एग उग अब इब उब अम इम उम अ औ हम वाव साकिना से पहले जेर नहीं आता तो इसलिए इन्हें नहीं लिखा हुआ। उ अफ इफ उफ अल इल उल अन इन उन अर इर उर अज इज उज अश इश उश अज इज या साकिन से पहले पेश नहीं आता
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वाव सेकंड से पहले जेर नहीं आता, यहाँ पे या सेकंड से पहले पेश नहीं आता। तो अभी हम मश्क पढ़ने लगे हैं। कुल, इन, अन, मन, बल, लम, कोम, होम, जुक, कद, इस्तोबिर, मुस्ततर, फ़ग़फ़िर, अयुन, अनाबन, जजरतुन। दोस्तों जीम अरफ़ कलकल है, तो मैंने आपको बताया था अरफ़ कलकल के ऊपर अगर जज़ मारे तो अरफ़ कलकल में कलकल खूब ज़हर होगा। ठीक है दोस्तों, और तो आप पे भी जज़ मार की वो भी अरफ़ कलकल है, वो भी कलकल खूब ज़हर होगा। दाल पे भी, बा पे भी और कॉफ पे भी। ठीक है दोस्तों, नुत्फ़तिन मुदहीना अबवाबन फ़फ़रुक युक्रिद युगनी तजरी जमअन फतहन मुमिनीना मुमिनूना युमिनूना मुसदतुन इक्रा शनुन कसन बिस यश नश इस्मुन यबहस अहया उख्रा इज़हब उश्दुद इरकब हुशीरत नुशीरत अहदरत तुमीसत फुरिजत नुसिफत युज़लमून यज़हरु इस्तबिर बैनकुम बैनहुम फ़दलिका अलैहिम अमालहुम अमालकुम अईदीहिम यस्तब्दिल यस्तफ्तिहुना